कंट्रोल सिस्टम की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स का इंट्रोडक्शन लिया था, तो आज फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के जो ट्रांजिएंट पैरामीटर होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो ट्रांजिएंट पैरामीटर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने कैलकुलेट किया था कि जो फर्स्ट ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन होता है वो कैलकुलेट होकर आता है a अपॉन s प्लस a, और जब हम इसका रिस्पांस कैलकुलेट करते हैं जो कि आता है ct इक्वल्स टू 1 माइनस e टू डी पावर माइनस at। ओके, सो फर्स्ट पैरामीटर जो आज डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का वो है टाइम कांस्टेंट। सो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का जो टाइम कांस्टेंट होता है वो होता है सीटी मतलब फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का रिस्पांस कांस्टेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन a। इक्वेशन एक में t इज इक्वल टू 1 अपॉन a जो कि टाइम कांस्टेंट है रखने पर देखते हैं क्या वैल्यू आती है। जब इस t इज इक्वल टू 1 अपॉन a को रख देंगे तो ct एट t इक्वल्स टू 1 अपॉन a इक्वल्स टू, ये वैल्यू पुट कर देते हैं t इक्वल टू 1 अपॉन a, ये कैंसिल आउट हो जाता है तो आता है कैलकुलेट होके 1 माइनस e टू डी पावर माइनस 1। ओके, सो e टू डी पावर माइनस 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.37। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाता है अप्रॉक्स 0.63। ठीक है, तो जो रिस्पांस की वैल्यू होती है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के, रिस्पांस की वैल्यू टाइम टी इक्वल्स टू 1 अपॉन a जो कि टाइम कांस्टेंट है सिस्टम का, वो आती है 0.63। टाइम कांस्टेंट पर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की रिस्पांस की वैल्यू 0.63 होती है। ओके, सो एक बार पहले हम ये रिस्पांस ड्रॉ कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का रिस्पांस किस तरीके का होता है, तो ये देख लेते हैं। यहां पर कुछ इस तरीके का रिस्पांस आता है। ये जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, ये जो ग्राफ है वो है ct इक्वल्स टू 1 माइनस e टू डी पावर माइनस at। इसका कर्व ये ड्रॉ किया हुआ है। ओके, टाइम यहां पर इस एक्स एक्सिस पर है और ct जिसको हम रिस्पांस कह रहे हैं, रिस्पांस जो है वो वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, तो पूरे एनालिसिस में हमें इस कर्व की जरूरत पड़ेगी जितने भी पैरामीटर हम लोग डिस्कस करेंगे उसके अंतर्गत। तो मान लीजिए कि जो t इक्वल्स टू 1 अपॉन a, t क्या है, 1 अपॉन a मींस टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आपकी ये है। अगर हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं इस तरीके से, लाइक दिस, सो ये लाइन जहां पर भी कट करती है वहां पर जो रिस्पांस की वैल्यू आती है वो आती है 0.63। ये जो वैल्यू आती है 0.63, और जो हमारा रिस्पांस होता है वो रिस्पांस की वैल्यू आती है इस एनालिसिस में
जो हमने इनपुट लिया है, इनपुट जो लिया हुआ था वो था यूटी। यूटी इक्वल्स टू क्या है, इनपुट। इनपुट हमने यूटी लिया हुआ था, तो यूटी की जो वैल्यू होती है वो वन होती है, तो वन को यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं। वन को यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं लाइक दिस। वन को रिप्रेजेंट करके ये डॉटेड लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस। मीन्स ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ से जब ये रिस्पॉन्स गया तो फाइनली जो स्टेडी स्टेट आएगी इस रिस्पॉन्स की वो अप्रॉक्स वन पर ही आती है। ओके, तो ये वन आखिरी में यहाँ पर कर्व से मैच कर जाता है। ठीक है, सो टाइम कांस्टेंट को अगर हमको परिभाषित करना हो तो किस तरीके से करेंगे, वो टाइम कांस्टेंट वह समय है जबकि सिस्टम का रिस्पॉन्स यहां पर क्या है, सीटी। सिस्टम का रिस्पॉन्स ये जो जा रहा है इसको बोल रहे हैं सिस्टम का रिस्पॉन्स। ये सीटी की वैल्यू वेरी परिवर्तित हो रही है टी के साथ। टाइम कांस्टेंट वह समय है जबकि सिस्टम का रिस्पॉन्स फाइनल वैल्यू क्या है, वन। फाइनल वैल्यू के 63% तक पहुंच जाता है। ये देखिए, ये है आपकी टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन। टाइम कांस्टेंट मींस जैसे ही टी इज इक्वल टू जीरो से बढ़ना शुरू हुआ तो हमारा रिस्पांस भी अपना काम करना शुरू किया। रिस्पांस का शेप इस तरीके से हुआ। तो जब टी की वैल्यू 1/a हो गई, मींस टाइम कांस्टेंट के बराबर हो गई, तब हमारा रिस्पांस कहां तक पहुंच गया, 0.63 मतलब 1 का 63%। ओके, सो ये डेफिनेशन हो गई आपके टाइम कांस्टेंट की। एक बार फिर से देख लीजिए, टाइम कांस्टेंट वह समय है जबकि सिस्टम का रिस्पांस फाइनल वैल्यू के 683% तक पहुंच जाता है। और ये एनालिसिस जो भी हम कर रहे हैं वो किस स्थिति के लिए कर रहे हैं, जबकि जो हमारा इनपुट है, जबकि जो इनपुट सिग्नल है वह एक यूनिट स्टेप फंक्शन है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यूनिट स्टेप फंक्शन है। यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए ही हम ये एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये था आपका टाइम कांस्टेंट के बारे में डिस्कशन, सिस्टम का टाइम कांस्टेंट। अब हम लोग ज्ञात करेंगे कि ये जो वेरिएशन हो रहा है रिस्पांस में, तो इसका स्लोप क्या है। स्लोप मतलब प्रवणता, कितने एंगल से ये मूव कर रहा है, तो वो किस तरीके से देखते हैं, वह भी देख लेते हैं। तो हम लोगों को पता है कि ये सीटी है, सीटी इक्वल्स टू होता है 1 - e^-at। ओके, अब अगर हमें सीटी का स्लोप निकालना है कि कितने एंगल से ये मूव कर रहा है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए। अवकलन करने पर टी के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो डी सी टी अपॉन डी टी, 1 का अवकलन क्या हो गया, 0, और e^-at का अवकलन कुछ इस तरीके से आ जाएगा, e^-at का अवकलन, तो डी सी टी अपॉन डी टी इक्वल्स टू e^-at। ओके, तो ये तो हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब जो स्लोप हमें कैलकुलेट करना है, स्लोप हमको कैलकुलेट करना है यहां से लाइक दिस।
टी इक्वल्स टू जीरो से ये जो स्लोप है, इस स्लोप की बात कर रहे हैं, ये जो स्लोप है वो कितना है हमारा, किस स्लोप से ये जो सीटी है वो रिस्पॉन्स कर रहा है, इस स्लोप की बात कर रहे हैं। तो ये जो स्लोप है कैलकुलेट करने के लिए हमें टी इज इक्वल्स टू जीरो रखना पड़ेगा। टी इज इक्वल टू जीरो पर, टी इज इक्वल टू जीरो पर डी सी टी अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ये देख लेते हैं। ई टू डी पावर माइनस टी इक्वल्स टू जीरो रख दो तो ये जीरो, तो ये कंप्लीट होके पूरा आ जाता है ए। मीन्स जो ये स्लोप है, जबकि हमारा रिस्पॉन्स टी इज इक्वल टू जीरो से मूव कर रहा है, तो वो जो इनिशियली स्लोप है उसकी वैल्यू है ए, स्लोप या प्रवणता इक्वल्स टू ए। तो इस तरीके से हम स्लोप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन है वो है स्लोप सी टी का स्लोप, स्लोप लाइक दिस एट टी इक्वल्स टू जीरो। तो ये जो स्लोप है ये हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया। ओके, ये जो टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट इक्वल्स टू वन अपॉन ए, अगर हम इसका व्युत्क्रम कर दें, का टाइम कांस्टेंट वन अपॉन ए का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या हो गया ए, तो टाइम कांस्टेंट के व्युत्क्रम को एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। टाइम कांस्टेंट अगर ज्यादा होगा, टाइम कांस्टेंट अगर बढ़ेगा या ज्यादा होगा, तो जो रिस्पॉन्स है उसकी स्पीड, ये जो स्पीड है, अगर टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। जितना टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, और अगर टाइम कांस्टेंट कम है, टाइम कांस्टेंट कम है तो जो स्पीड है, रिस्पॉन्स की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए टाइम कांस्टेंट की वैल्यू वन अपॉन ए है, तो टाइम कांस्टेंट को इस बिंदु से 0.63% तक पहुंचने में टाइम कांस्टेंट के बराबर समय लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू वन अपॉन ए से कम हो जाए तो सिस्टम का रिस्पॉन्स 0.63% तक उतने ही समय में पहुंच जाएगा। मीन्स पहले अगर टाइम कांस्टेंट आपका मान लीजिए 10 सेकंड है, तो इसका मतलब यह है कि 10 सेकंड में हमारा जो सिस्टम रिस्पॉन्स है वो फाइनल वैल्यू के 63% तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर यही टाइम कांस्टेंट 10 की जगह 5 सेकंड हो जाए, तो क्या हो गया कि जो रिस्पॉन्स 63% पहुंचने में 10 सेकंड ले रहा था, अब वो 5 सेकंड लेगा। मींस अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू जितनी कम से कम हो उतना अच्छा रहता है, उतना ही सिस्टम जो होता है फास्ट होता है, ठीक है। और टाइम कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, सिस्टम उतना ही स्लो रिस्पॉन्स करता है। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू को हम पोल जीरो रिप्रेजेंटेशन से भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन जो है वो है टी एस होल अपॉन एस प्लस ए। ओके, जब एस प्लस ए है, अगर हम इसका पोल्स ज्ञात करें, तो पोल्स है इसका पोल्स एट एस इक्वल्स टू माइनस ए पे। मीन्स अगर पोल्स का व्युत्क्रम ले लिया जाए, पोल्स का व्युत्क्रम
जो होता है वो टाइम कांस्टेंट होता है। पोल्स का व्युत्क्रम कितना हो गया, 1/a। ओके, सो पोल्स का व्युत्क्रम 1/a टाइम कांस्टेंट होता है। और एक और बात देख लेते हैं कि जो पोल्स है वो जे ओमेगा एक्सिस से जितना दूर होता है सिस्टम उतना फास्ट होता है। तो पोल्स जे ओमेगा एक्सिस से जितना दूर होगा, सिस्टम उतना ही फास्ट होगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट थे टाइम कांस्टेंट के बारे में। अब ये जो पॉइंट है जो अभी रिसेंटली मैंने बताया इसको भी मैं डिस्कस कर देता हूं कि मान लीजिए कोई एक पोल है जो कि s=15 पर स्थित है या s=20 पर स्थित है। ठीक है, तो s=20 पर स्थित है तो यहां पर a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू है आपकी 20 और 1/a जो कि टाइम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/20। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.05। और अब दूसरा केस ले लेते हैं कि अगर आपका पोल जो है वो 5 पर स्थित है, मींस जे ओमेगा के और नजदीक, ये जे ओमेगा एक्सिस होता है, अगर इस तरफ जा रहे हैं तो जे ओमेगा एक्सिस से दूर जा रहे हैं, अगर इस तरफ लौट के आ रहे हैं तो जे ओमेगा के नजदीक है, तो 5 जो है वो जे ओमेगा के करीब है। अगर ए की वैल्यू 5 हो जाए तो 1/a = कितना आ जाएगा, 0.2। ठीक है, अगर पोल दूर है जे ओमेगा एक्सिस से दूर है तो जो टाइम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यहां पर देखा हमने 0.05, जब ए की वैल्यू 20 है तो हमारे टाइम कांस्टेंट की वैल्यू 0.05 आई है, जब ए की वैल्यू 5 है तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू 0.2 आई है। ओके, तो इससे ये सिद्ध हो गया है कि जब जे ओमेगा एक्सिस से जितनी भी दूरी पर होगी पोल टाइम कांस्टेंट उतना ही कम होगा और टाइम कांस्टेंट कम होगा तो सिस्टम फास्ट होगा। ओके, तो यहां पर ये देख लेते हैं कि जे ओमेगा से पोल की दूरी अगर ज्यादा है, ऊपर एरो का मतलब है ज्यादा है, तो जो टाइम कांस्टेंट होगा हमारा टाइम कांस्टेंट कम होगा और जो सिस्टम रिस्पॉन्स है वो होगा फास्ट। ओके, और यहीं पर अगर आप अपोजिट बात करें कि अगर जे ओमेगा से पोल की दूरी ज्यादा है, पोल से दूरी ज्यादा होगी तो टाइम कांस्टेंट जो है वो भी ज्यादा। इसके अपोजिट बात करें, अगर जे ओमेगा से पोल की दूरी अगर कम है तो टाइम कांस्टेंट बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है सिस्टम स्लो हो जाएगा, स्लो। ठीक है, सो स्टूडेंट आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम से जुड़े कई और पैरामीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।